नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जिस प्रकार से सबसे पहले की जो खबर है जिला जींद की, यदि बात करते हैं गांव निडानी के अंदर से जो पहला पॉजिटिव केस मिला था उसकी कवरेज के लिए हमारी टीम लगातार दिखा रही है। सरपंच के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप की जहाँ यदि बात करते हैं, ऐसा मामला सामने आया था कि सरपंच ने कहीं न कहीं कोताही बरती अपने कार्य के लिए। पहले ही जो मरीज जो कोरोना पॉजिटिव जो आया है, पहले ही उसका चेकअप होना था लेकिन कहीं न कहीं लेट हुआ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर पहलवान। धर्मवीर पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या सरपंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैंने सरपंच के पास फोन किया जी, सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की जी। मैंने उसको ये भी कहा कि मैं मीडिया को भी बताऊंगा ये बात जी जी। तो उसने बोला कि आप किसी को भी बताओ भाई, ये गाँव के है, मैं किस किस को करूँगा जी, किस किस को संभालू। मैंने बोल रखा उनका है नहीं कोरोना वायरस। उसने ये भी कहा कि है नहीं, हमने चेक करा दिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर है कोई संजय है पटाना का, उसके पास भी फोन किया, उसने भी कहा कि हमने चेक कर लिया, ऐसी कोई इनमें आकरण नहीं है कि इनका कोरोना वायरस है। उसके बाद मैंने 108 नंबर पे भी फोन किया, उन्होंने भी कोई गहराई से लिया इस बात को। उसके बाद मैंने 1075 पे फोन किया जी, और उसके बाद वहां से कार्रवाई शुरू करी मैंने, और इनके फिर बार बार फोन भी आने लग गए और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यही फोन आया कि मंजीत डॉक्टर लाठर है, कोई डॉक्टर है, उसने भी कहा कि मैं कितने को संभालूंगा, मैं किस किस के पास जाऊंगा ऐसे हर रोज। तो मगा आप अपनी कार्रवाई करो, हम अपनी कार्रवाई करेंगे जी। ना तो कोई सरपंच ने किया, ना कोई यहाँ के कर्मचारियों ने किया इसके ऊपर गौर। और जब 1075 में मैंने फोन किया, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद अगले दिन इनको उठाया गया है, उसके बाद कुछ न कुछ इनको चेकअप के लिए भेजा गया है। नहीं तो सरपंच भी ये कह रहा था कि इनका है नहीं जी, इतने विश्वास से। तो धर्मवीर जी, अभी आपके गांव में पॉजिटिव केस मिला है, अभी कैसा माहौल है, डरे हुआ है समाज या गांव के जो लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी कैसा माहौल बना हुआ है? खौफ है जी कि कोई और ना मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक है इसी से काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई और मिल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गांव में बड़े खौफ में गांव, और हमारे को तो बहुत मुश्किल हो ही है कि मेरी बेटी भी एक ओलंपिक क्वालिफाई के लिए सिलेक्शन हो रहा है उसका, और वो भी घर पे लॉकडाउन में घर पे ही प्रैक्टिस कर रही है, कहीं बाहर नहीं जाने की बड़ी मुसीबत हो रही है प्रैक्टिस के लिए भी। गाँव में 150-200 खिलाड़ी हैं, सभी अपने घर में हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं इसमें आरोप प्रत्यारोप की जहाँ यदि बात करते हैं, तो अभी जो सरपंच है गांव निडानी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या वाकई में ऐसा मामला आपके सभी के सामने है या नहीं है, या केवल राजनीति के तौर पर आप ऐसी बातें कही जा रही है, उसको लेकर के हमारी जो ग्राउंड मीडिया की टीम है सरपंच से बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं भारद्वाज, एक युवा साथी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये इसमें सरपंच की लापरवाही है जी, सरपंच ने लापरवाही बरती। इस किस तरह की लापरवाही बरती, आप क्या कहना चाहते हैं? सरपंच ने कार्रवाई नहीं करी, ये बाहर से आए थे तो इनको उठाना चाहिए था जी चेकअप के लिए, लेकिन सरपंच ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। क्या आपके बताने के बाद, आपका ये फर्ज बनता है, आप भी युवा हो, आपके बताने के बावजूद भी नहीं उठाया गया उसको? हमने कही है उसको, उसके बाद भी नहीं जी, उसके बाद बोला ये गरीब। तो आपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ, पुलिस प्रशासन की तरफ कभी फोन मिलाने का प्रयास किया आपने भी? जैसे धर्मवीर जी बता रहे मैंने प्रयास किया था, ये इसके पास ही जाते थे हम तो। धर्मवीर जी ने प्रयास किया था मिलाने का? धर्मवीर जी ने कराया था प्रयास, ये हमारे साथी है तो इन्होंने कराया था, तो उसको बोल रहे थे, तो वो बोल रहा था तुम गरीबों को तंग करते हो, इसका कोई भी कोरोना वायरस नहीं है, ये बोल रहा था जी। युवा साथी पूछते हैं इनसे, पंचायत की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है जी? क्या नाम आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे, पंचायत की रूप से कितना सहयोग क्या मिल रहा है? पंचायत की तरफ से कोई सहयोग नहीं है जी, जो भी कर रहे हैं युवा साथी कर रहे हैं। तो युवा संगठन है जो, वो किस तरह का क्या कार्यक्रम है, क्या गाँव में किस तरह की सहयोग कर रहा है गाँव के लिए? वो सब युवा तो सरपंच की तरफ से अपनी तरफ से खर्चा लगाया है जी, किसी का कोई सहयोग नहीं है। की क्या बात हो गई? ऐसे कैसे जी, उस वो जो मुसलमान से ने इन घर बिठा हुआ है और उन्होंने दंदी नुगा दे बार रही जाओ। कौन बिठा रहा घर पे? सरपंच साहब। किसके घर पे? उससे उन्होंने घर रखा है और अपना घर रखा हो जो कोरोना पॉजिटिव मिला है। हाँ, और जो नुगा जही ने गरीब फिर ने नठवाओ भाई। अच्छा, अब पंच वो छनेदार नुगा गाय जी घर रखी है भाई। वो जी छनेदार का दंदी पढ़ने कैट दिया हो भाई। अच्छा, हाँ गाँव में घूमया। जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज मिला उसके हाँ, परिवार के जो सदस्य है हाँ, उनको वो सरपंच घर से बाहर निकाल रहा। अगर चपाज मेरे घूमया पड़ने जाएगी अच्छा, मन बेड़ा दिए बढ़ने के लिए फोन दिए मेरे जोड़े, वो जी खुद खुद बढ़ने कह दिया हो।
अच्छा जी, क्या कहता, क्या बहाना बनाता, गरीब व्यक्ति को दुखी मत करे, गरीब सब करो बिल्कुल। तो आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, क्या नाम बताऊ जी आपका? बलवान जी का कहना कि जो सरपंच है गांव के, उनका कहना है कि वो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला उनको, जो परिवार को घर से नहीं निकलना, लेकिन ऐसा कह करके कि गरीब व्यक्ति ये बाहर निकाल रहा, कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में ग्राउंड मीडिया की टीम सरपंच से भी हम जानकारी लेंगे, ऐसा क्यों कर रहा सरपंच? सरपंच साहब ने कुछ नहीं करवाई, सरपंच साहब ने बोला गरीब जी। अच्छा जी जी, हम तो पुलिस बुलावा नष्ट है। आप पुलिस बुला रहे थे तो सरपंच साहब इनकार करे थे बुलाने से? इनकार करे थे जी। है जी जी, तो अभी जो नेक्स्ट कड़ी में हम दिखाएंगे, सरपंच साहब से बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर के, सरपंच साहब क्या कहते हैं, तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।